आ चुके हैं हम लोग बड़े इमामबाड़ा पे। तो आज हम लोग आपको यहाँ का टूर कराते हैं थोड़ा सा। चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस 50 रुपये का एक आदमी का, एक इंडियन का पूरा टिकट है। फॉरेनर्स के लिए 500 रुपीज़ है पर पर्सन। कुछ ऐसा इसका एंट्रेंस था यहाँ से हम लोग आए हैं। यहाँ से देखिए मस्जिद है। तो वो है उधर यहाँ की फेमस भूल भुलैया लखनऊ की। देखिए यहाँ कितने लोग आते हैं डेली। इसको विजिट करने का लास्ट टाइम होता है 6 बजे तक। हम लोग आए हैं यहाँ पे 5 बजे। लोग जा रहे हैं यहाँ के फेमस कुएं की तरफ। तो हमने ले रखा है गाइड। तो ये आप थोड़े से शॉर्ट्स देखिए, फिर इसके बाद मैं लास्ट में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ कैसे होता है। और ये है कुआं। इस कुएं का स्पेशल पर्पज़ ये था कि उस समय फ़ोटोग्राफी नहीं होती थी, तो इसका पानी काला पानी था, तो यहाँ से लोग अपनी फ़ोटो देख सकते थे। देखिए तीर मारने का सेंटर, देख रहे हैं? देखिए तीर मारने का सेंटर है। यहाँ से मस्जिद की सीढ़ियाँ, गेट। भैया एक मिनट जल्दी ना बचाइए, सबको दिखाएंगे। देखिए देखिए तो भैया थोड़ा संभल के सामने देखिए, संभल के यहाँ पे गिरना चाहिए। देखिए सामने देखिए, यहाँ से वहाँ तक तीर मारने सेंटर है ना? तीर मारने सेंटर है। यहाँ से मस्जिद की सीढ़ियाँ, गेट, गार्डन सब देख सकते हैं। लेकिन वहां से इंसान गए थे और यहां से निकले हैं। रस्ते पकड़ के रस्ते के चलिए। 4,000 धनी के अंग्रेजों की ऑक्सीजन न मिलने से वापस नहीं आता। जब कुछ पब्लिक जाने लगी तब रास्ते को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इसके अंदर कोई जाए तो आगे बढ़ ना पाए। रास्ता बंद है, नीचे आगे जाके दीवार उठा दी। एक देखिए नीचे की नीचे एक सीढ़ी है, देख के पैर रखिएगा और संभल के गिरिएगा।
अभी घूम दिखा रहे हैं आपको भूल भुलैया। और तो यार यहाँ पे देखो 1024 रास्ते थे जिसमें 1000 रास्ते गलत थे, ठीक है। और ये एशिया की पहली बिल्डिंग थी जिसमें दीवारों के अंदर रास्ते थे ये। और ये 60 फीट ऊंची बिल्डिंग थी बिना किसी सपोर्ट के, आज भी ये खड़ी है। ना इसके अंदर सरिया डाला है ना कुछ डाला है, लेकिन ये भी आज भी ऐसे ही खड़ी है। तो चलिएगा जैसे ही हम आपको और दिखाएंगे चीज़ें, और चलिए अंदर चलते हैं भूल भुलैया एक बार फिर से, यहाँ से हमें रास्ता ढूंढना है। 1000 रास्ते में से कुछ रास्ते जो बंद कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कोई नहीं है इस समय। गाइस इस जगह पे भी कहते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स यहीं पे मर गए थे इन्हीं गलियों में। तो हम लोग यहाँ पे अभी अकेले हैं, रात का थोड़ा समय हो गया, ये लास्ट टाइम है अब जब यहाँ पे आ सकते हैं। हम लोग ने टाइम एक्सीड कर दिया है आधा घंटा, हम लोग लास्ट में हैं एकदम। तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या हमें कुछ ऐसा दिखता है। देखा होगा ये था हमारा भूल भुलैया का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे जो इमामबाड़ा है इसको इमामबाड़ा बनाया गया था, लेकिन ये भूल भुलैया इनकी मतलब पूरा इनका सोचा नहीं था इन्होंने कि ये भूल भुलैया ही बनाएंगे। इन्होंने उसका वेट कम करने के लिए उसमें रास्ते उन्होंने काटने शुरू किए, तो फिर रास्ते काटते काटते ये अचानक से भूल भुलैया बन गई। भूल भुलैया बन गई तो फिर ये जो यहाँ के नवाब थे इन्होंने इनको बोला कि इसको कुछ ऐसा बनाइए कि जब हम पे अटैक हो तो हम यहाँ से बच के निकल सकें। तो यहाँ से 3 जगह रास्ते कटे थे, एक आगरा के लिए, एक दिल्ली के लिए, एक फैज़ाबाद के लिए। तो आगरा और दिल्ली तक तो नहीं जाता था, मतलब वो आपको शहर के बाहर निकाल देता था। तो ये था यहाँ का कहानी। और जो ये इमामबाड़ा था नीचे, तो इसमें 3 तरह के टोम्स थे। एक था चाइनीज़ टोम जो मैंने आपको पहले दिखाया था, मैं वहाँ पे लिख दूँगा, और एक ईरानी टोम, और तीसरा था इंडियन। तो ऐसे ही था कुछ यहाँ का भी डेकोरेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग रात्रि के समय पे हैं, अब सब लोग जा ही चुके हैं, आप देख सकते हो पीछे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में जो सुबह आएगा उसमें आप जो अभी हम लोग जा रहे हैं टुंडे और कश्मीरी चाय यहाँ की क्लॉक टावर पे जो फेमस है वो पीने के लिए। चलिए मिलते हैं बाद में।